अस्सलामुअलैकुम प्यारे तुलबा, आज हम जमायत शशम उर्दू उसके सबक नंबर 14 सुनो वो क्या कह रही हैं, इसकी हम पढ़ाई करेंगे। इसके अल्फाज और उसके जुमले हम कर चुके हैं, तो आइए इसकी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस सबक के मकासद देख लेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो क्या कर सके, रोज़मर्रा ज़िंदगी में रियाजी की ज़रूरत और अहमियत से आगाह हो सके। यानी जो ये सब्जेक्ट है रियाजी, मज़मून है रियाजी, उसकी ज़रूरत का उन्हें पता चल सके, उसकी अहमियत का पता चल सके कि ये कितना अहम सब्जेक्ट है। ठीक है, सुनकर मालूमात को समझ सके, इदराक होता है समझना, सुनकर मालूमात का इदराक कर सके, समझ सके और उनके जवाब के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर सके। ठीक है, मुख्तलिफ मालूमात सुने और उसका जवाब वो दे सकें, अपनी मालूमात को बयान कर सकें। इसके अलावा उनके पास अगर अपनी मालूमात हैं तो उसको बयान कर सकें, वो आसान अल्फाज में सबक पढ़कर सवालात के जवाबात लिख सकें। यानी अगर कोई सबक उन्हें दिया जाए तो वो उसको पढ़ें और सवाल का जवाब वो लिख सकें। मज़मून निगारी में किसी भी तर्ज़ नगारिश के तहत अल्फाज का मौजू और बर महल इस्तेमाल और पैराबंदी कर सकें। यानी मज़मून निगारी के तहत जो भी है अल्फाज को किस तरह और कहाँ इस्तेमाल कर सकना करना है और कैसे पैराग्राफ बनाना है उसको भी जान सकें। इसके अलावा दोस्तों के नाम हाथ लिख सकें, बच्चे इस काबिल हों के वह दोस्तों के नाम हाथ लिख सकें। सबक पढ़ कर सवालात की रोशनी में खुलासा लिख सकें। ठीक है, इसम ज़र्फ की जुमलों में शिनाख्त कर सकें कि इसम ज़र्फ कौन सा है। इसम ज़र्फ के बारे में आज ग्रामर का हम पढ़ेंगे इस कहानी में। अल्फाज पर अराब लगा कर उनका दुरुस्त तलफ़ अदा कर सकें। ठीक है, कि उस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है और उस पर ज़ेर ज़बर पेश लगा सकें। नसाबी कुतब के अलावा दीगर कुतब को पढ़ कर मज़मून समझ सकें। यानी ना सिर्फ नसाबी किताबें बल्कि दूसरी किताबें भी पढ़ कर मज़मून को समझ सकें। ठीक है, पढ़ने से पहले कोई काम अपने वक्त पर मुकम्मल हुआ या नहीं ये जानने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं। ठीक है, किसी काम को वक्त पर हुआ है या नहीं इसके लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं, वक्त का सहारा लेते हैं, टाइम का सहारा लेते हैं कि वो काम हमने कितना प्लान किया था और कितना हुआ है। ठीक है, अलजबरा ज्योमेट्री और हिसाब वगैरह किस इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये सारे एक नेचुरल इल्म है और ये सारी चीज़ें किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, कुदरत से ताल्लुक़ रखती हैं। अलजबरा है, ज्योमेट्री है, हिसाब है, ये सारा कुदरत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारे जो मज़ामीन हैं हिसाब के, ये नेचर की ज़ुबान है, कुदरत की ज़ुबान है इसमें। ठीक है, आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं पढ़ाई से। अली को मुख्तलिफ अलूम की किताबें पढ़ने और जमा करने का बहुत शौक़ है। ठीक है, हम थोड़ा सा ये देख भी लेते हैं कि आपकी किताब में ये एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक कबर्ड है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी हुई हैं और कुछ किताबें हैं जो हमें बाहर नज़र आ रही हैं कबर्ड से, और वो किताबें आपस में बातें कर रही हैं। उसमें उर्दू की किताब है, रियाजी की है, तारीख की है, कहानियों की है, साइंस की और माशरती उलूम की है, और ये सिटिंग के लिए चेयर्स बनी हुई हैं और इधर जो है ना वो मुतालिया किया जाता है। ठीक है, अली को मुख्तलिफ उलूम की किताबें पढ़ने और जमा करने का बहुत शौक़ है। उसने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी हुई हैं, जिसमें अनवा व इकसाम की किताबें हैं, मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं। गुज़िश्ता रोज़ यानी पिछले रोज़, कल गुज़रे हुए कल, अली अपनी अम्मी जान के साथ किताबों की दुकान पर गया। उसे वहाँ रियाजी की एक बहुत उम्दा किताब नज़र आई। उसने झट जल्दी से वो किताब ख़रीद ली और घर लाकर अपनी लाइब्रेरी में रख दी। रियाजी की किताब नई जगह पर आने की वजह से थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन लाइब्रेरी में पहले से मौजूद किताबें अपनी नई साथी को देखकर बहुत खुश हुई। कहानियों की किताब अपनायत का इजहार करने के लिए आगे बढ़ी। यानी ये कहानियों की किताब है, ये रियाजी की किताब है, कहानियों की किताब अपनायत का इजहार करने के लिए आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, खुश आमदीद प्यारी बहन, कैसी हैं आप।
मैं ठीक हूँ, बस सफ़र की थोड़ी थकावट है, जल्दी दूर हो जाएगी, रियाजी की किताब ने हुश दिली से जवाब दिया। यानी कहानी क्या है कि आपस में किताबें बातें कर रही हैं। ठीक है, अब हम सफ़ा नंबर 69 पे आएंगे। सफ़ा नंबर 69 पे, बहन आप किस मज़मून से ताल्लुक़ रखती हैं, साइंस की किताब ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मेरा ताल्लुक इल्मे रियाजी से है, रियाजी की किताब ने फ़ख्र से बताया। यानी पहले कहानियों की किताब बोली है, फिर साइंस की किताब बोली है। अल्लाह की पनाह भाई, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसके कुलिये तो बेचारे बच्चों के पल्ले ही नहीं पढ़ते, तारीख की किताब ने दुहाई देते हुए कहा। तारीख की किताब ने रियाजी की किताब के मुतल्लिक कहा, जी बिल्कुल, जैसे आपकी तारीखें नन्हे बच्चों के जहन में नहीं समाती। उसने भी कह दिया, रियाजी की किताब ने भी कह दिया कि तुम्हारी भी तारीखें याद करना मुश्किल है, वो भी बच्चों के जहनों में नहीं आती हैं। साइंस की किताब ने बर्जस्ता जवाब देकर हिसाब बेबाक कर दिया। ठीक है, उसी वक्त बर्जस्ता होता है, उसी वक्त साइंस ने बर्जस्ता जवाब देकर, उसी वक्त जवाब देकर उसका हिसाब जो है ना वो बराबर कर दिया। अरे भाई लड़ना छोड़ो और चलो कुछ काम की बातें करते हैं, उर्दू की किताब ने अमन का झंडा लहराते हुए कहा। यानी अब तक कौन कौन सी किताब है, साइंस की है जो आपने इस कहानी में पढ़ी है, तारीख की है, रियाजी की है, कहानियों की है, अब उर्दू की किताब आ गई है। और वो अमन का झंडा लहराते हुए कहा, फिर बोली, मैंने इल्मे रियाजी के बारे में बहुत सुना था, जिसकी वजह से मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मेरी कभी रियाजी किताब से मुलाकात हो और मैं उसके अहम मज़मून के बारे में कुछ जान सकूं। देखें आज मेरी ये आरज़ू पूरी हो गई, चलें आज ज़रा हमें अपने बारे में कुछ बताएं। यानी वो उर्दू की किताब रियाजी की किताब से कह रही है कि अपने बारे में कुछ बताएं। क्या बताऊं, मैं तो अपनी मिसाल आप हूं, यानी वो फ़ख्र से बोल रही है। रियाजी की किताब की झिझक ख़त्म हो चुकी थी, अब उन्होंने आपस में दो चार बातें कर ली थी इसलिए अब उसकी झिझक ख़त्म हो गई, इसलिए ज़रा खुलकर बोली, अरे भई ये बताएं कि इल्मे रियाजी आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तारीख की किताब ने चिढ़ते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं बस ज़रा आपको तंग कर रही थी, रियाजी की किताब ने माजरत खाना अंदाज में कहा। यानी उसने माजरत खाना अंदाज में कहा माफ़ी मांगते हुए, अरे जाने दें कोई बात नहीं, इसकी तो आदत है ज़रा ज़रा सी बात पर खफा हो जाने की, उर्दू की किताब ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर तारीख की किताब मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गई, मगर उसका सारा ध्यान बातों की जानिब था, वो सारी बातें सुन रही थी। रियाजी की किताब ने एक नज़र उस पर डाली और बोली, रियाजी का लफ्ज़ रियाजत से निकला है, जिसका मतलब है मश्क करना, सीखना या पढ़ना। ठीक है, अब वो अपना तारुफ करवाने लगी है यहाँ से। ठीक है, पहले उसने मानी बताया है, रियाजी दरअसल अदाद के इस्तेमाल के ज़रिए से मकदारों के खवास और उनके दरमियान ताल्लुकात की तहकीक और मतालिये को कहा जाता है। ठीक है, रियाजी किसको कहा जाता है कि अदाद के ज़रिए से, नंबरों के ज़रिए से उसकी मकदार के खवास और उनके दरमियान ताल्लुक की तहकीक और मतालिये को कहा जाता है। इल्मे हिसाब या इल्मे रियाजी गिनती और पैमाइश के दो बुनियादी असूलों पर मबनी है, मबनी होता है मुश्तमिल है, यानी दो चीज़ें हैं इसमें, मेन चीज़ें बुनियादी चीज़ें दो हैं, एक पैमाइश और दूसरा गिनती, जिनमें हिंदसों और नुक्तों का इस्तेमाल अहम अलामतों के तौर पर किया जाता है। इसे ज़रूरी किताब का, इस ज़रूरी किताब का साइंसी इल्म भी कह सकते हैं, इसे ज़रूरी हिसाब किताब का साइंसी इल्म भी कह सकते हैं। यानी इस किताब के ज़रिए से हम अपनी आम ज़िंदगी में हिसाब किताब भी कर सकते हैं। आपने इसकी आधी कहानी की पढ़ाई करनी है, आधी कहानी की पढ़ाई हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और आपने पढ़ाई कम से कम 3 दफ़ा करनी है ताकि जब हम तफहीम करें तो आपको तफहीम में आसानी हो।